गुड मॉर्निंग बच्चों, 90 के चक्कर में इस पाठ के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो इस पाठ में क्या जानकारी दे रहे हैं कि लालच बुरी बात है। जो कुछ हमें प्राप्त करना है वो मेहनत से प्राप्त करना है, तो ही हमें हमारे हाथ लगता है। तो बाबू भाई यह व्यक्ति इस पाठ में, इस व्यक्ति यानी बाबू भाई के बारे में हमें क्या है बता रहे हैं। तो बाबू भाई एक उसकी नारियल खाने का मन होता है, तो इसीलिए वो बाजार गया है। बाजार में जाकर जब नारियल की पूछताछ करता है तो वहां 2 रुपए था, लेकिन यह 1 रुपए पूछता है। आगे बढ़ता है तो वहां 1 रुपया है, लेकिन वहां 50 पैसे पूछता है। ऐसे वो पूछते पूछते आगे बढ़ता है तो आकर वो कहाँ है, एक बगीचे में, क्या है, नारियल के बगीचे में आकर रुका है। वहां माली के पास वो क्या करता है, इतने दूर से आया हूँ, मुझे मुफ्त में दे दो नारियल, ऐसे कहता है। लेकिन माली मुफ्त में देने के लिए मना करता है। अगर आपको मुफ्त में नारियल चाहिए तो क्या है, आप पेड़ पर चढ़िए और जितना चाहिए उतना ले लो, ऐसे वो कहता है। मुफ्त यानी फ्री में। इसीलिए बाबू भाई नारियल के पेड़ पर चढ़े हुए हैं और जो बड़ा नारियल है वो देखकर अपने दोनों हाथ फैलाते हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी क्या हो जाता है, उनके पैर फिसल जाते हैं और वो उस नारियल को पकड़कर लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। इतना हम लास्ट अवधि में देखा था। आगे देखिए बच्चों, बाबू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। वो जब झूल रहे थे, पैरों में दोनों पैर उनके हवा में झूल रहे थे, तब वो क्या है, माली को, वहां जो बगीचा का माली था, उस माली को मदद करने के लिए बुलाते हैं। माली ने कहा, वो तो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ आपको नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। माली भी उन्हें मदद करने के लिए मना करता है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, बाबू भाई ने जोर जोर से उसे बुलाया। जो ऊंट पर एक आदमी जा रहा था उसे मदद के लिए बाबू भाई क्या है बुलाते हैं। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। बाबू भाई क्या कहते हैं उस ऊंट वाले को कि मेरे पैर वापस पेड़ को टिका दो, आपकी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऐसे वो सोचकर बाबू भाई को मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ऊंट वाला क्या करता है, ऊंट को नीचे खड़े करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और चढ़कर वो क्या करता है, बाबू भाई के पैर पकड़ता है। तभी क्या होता है, देखिए बच्चों, ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। उसी समय ऊंट क्या देखता है, वहां हरे हरे पत्ते थे, वो पत्ते वो देखता है और पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। वो पत्ते खाने के लिए, हरे पत्ते खाने के लिए ऊंट का भी क्या है मन हो जाता है, तो वो क्या करता है, लालच में आकर वहां से ऊंट हट जाता है। बस वह आदमी ऊंट के पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया।
इतने में एक घुड़ सवारी आया। देखो वहां से जैसे ही ऊंट थोड़ा सरक जाता है तो ऊंट वाला क्या करता है, मैं फिसल जाऊंगा ऐसे वो घबरा कर वो क्या करता है, उस बाबू भाई को पैर पकड़ता है। और वो भी क्या है, बाबू भाई के पैर पकड़कर वही लटकने लगता है। तभी वहां घुड़ सवारी जा रहा था। घुड़ सवारी को देखकर बाबू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हाँ एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े के पीठ पर चढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़ सवारी क्या है, उन्हें मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और घोड़ा चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैर से लटकाते हुए। तभी घोड़ा सवारी क्या करता है, घोड़े के ऊपर चढ़कर वो भी क्या करता है, ऊंट वाले के पैर पकड़ता है। तो घोड़ा भी हरी हरी घास देखकर वो भी खाने के लिए उसका मन ललचता है, तो वो भी क्या करता है, घास खाने के लिए घोड़ा वहां से हट जाता है। तब घोड़ा सवारी क्या करता है, ऊंट वाले के पैर पकड़ता है। इस तरह एक दो और अब तीनों के तीन झूले झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना, घुड़ सवारी ने पसीना पसीना होते हुए कहा। घुड़ सवारी बाबू भाई को कहता है कि काका काका आप कस कर पकड़िए नारियल को। और वो घुड़ सवारी पसीना पसीना हो गया। पसीना पसीना हो जाना यानी भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है कि मैं गिर जाऊंगा करके। जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। घुड़ सवारी क्या कहता है, घुड़ सवारी बाबू भाई को कि आप कस कर पकड़िए नारियल, जब तक हमें मदद के लिए कोई नहीं आता तब तक आप कस कर पकड़िए नारियल, मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, ऐसे कहता है। सो काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपए दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। ऊंट वाला क्या करता है कि काका काका आप छोड़िए मत, मैं आपको 200 रुपए दे दूंगा। 100 200 बाप रे 300 रुपए, बाबू भाई का सर चकरा गया यानी घूम गया। और इतना सारा पैसा, खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल हाथ गया छूट से। जैसे ही घुड़ सवारी 100 रुपीज 100 रुपए और ऊंट वाला 200 बोलता है तो 300 रुपए हो जाते हैं। वो सोचकर बाबू भाई खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो क्या करता है, हाथ में यानी नारियल जो पकड़ा हुआ था वो उनके हाथ से छूट जाता है। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिर पड़े। बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर फूटा। दो तीनों क्या है, जमीन पर गिर पड़ते हैं और थोड़ा वो अपने आप को संभाल रहे थे बाबू भाई, तभी क्या हो जाता है, एक बड़ा नारियल उनके सिर पर गिर पड़ता है। इस तरह नारियल लाभ के चक्कर में, नफे के चक्कर में यानी लाभ के पीछे पीछे भागते हुए बाबू भाई
2 रुपए से 1 रुपया, 1 रुपए से 50 पैसे, 50 से 25 पैसे और बाद में क्या है मुफ्त में लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उन्हें हाथ में कुछ नहीं लगता। इसीलिए बच्चों देखिए, जो कुछ हम मेहनत से प्राप्त करते हैं वही हमारे हाथ लगता है, और लालच बहुत बुरी बात है ऐसे कहा है। तो बच्चों आप भी बहुत सारी मेहनत कीजिए, आपको उतना ही क्या है ज्यादा उसका फल मिलेगा। जो मेहनत परिश्रम करके आगे बढ़ता है वही जीवन में क्या है सुख प्राप्त कर सकता है, अथवा जीवन में हर कुछ उसे हासिल हो जाता है। तो बच्चों यही आज हमने पाठ से यही हमें क्या है मेहनत से मीठा फल मिलता है यह हमारी हमें जानकारी दी है। तो बच्चों यह पाठ और एक बार एक पढ़िए, और जो कुछ आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए बच्चों, शायद आपको समझ में आया होगा। बच्चों तो ऐसे में सोचकर आज यही लेसन क्या है मेरे अवधि जो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। आगे के अवधि में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा बच्चों समझ में आया, ओके, धन्यवाद बच्चों।